नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो थर्ड ODI मैच खेले जाने वाले, इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। बता दूं दोस्तों, ये जो मैच होगा वो एक मजबूत टीम का एक कमज़ोर टीम के साथ होने वाला है। अब आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 100% ये मैच जीत जाएगी, जैसे कि लास्ट के दोनों ही मैचेस जीते हैं। लेकिन ऐसे में हमें इंग्लैंड के 7 प्लेयर लेना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही साथ नेदरलैंड के हमें 4 ही प्लेयर लेना है। तो वो कौन से ऐसे 4 प्लेयर होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से ऐसे 7 प्लेयर होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ये हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जॉर्ज बटलर को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है। हालांकि देखा जाए जॉर्ज बटलर का सिलेक्शन 72% है, लेकिन मैं जॉर्ज बटलर को क्यों ड्रॉप करने वाला हूँ ये भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर बात करेंगे तो आपको मैक्स वुड आउट और या फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बीडी डिले, इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल के तो कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है, लेकिन पीटर सिलार और यहाँ पे सैम करन, इन दोनों में से कोई ना कोई इस मैच में खेलेगा। सैम करन खेल सकते हैं यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से, पीटर सिलार खेलेंगे नेदरलैंड की तरफ से। तो मेरे हिसाब से मैच कोई रिस्की नहीं होने वाला है, मैच बिल्कुल भी देखा जाए तो पूरी तरह से सेफ होने वाला है, क्योंकि हमें टीम बनानी है इंग्लैंड के फेवर में। और इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी या फिर बॉलिंग करेगी कोई मतलब नहीं बनेगा। इंग्लैंड की टीम जो है यहाँ पे विकेट निकाल सकती है, मतलब यहाँ पे स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैच में इंग्लैंड ने जो स्कोर बनाया था 498 का स्कोर बनाया था, और काफ़ी बड़ा स्कोर है ये। इंटरनेशनल ODI मैचेस में हिस्ट्री का पहला स्कोर है जो इतना स्कोर बना है। तो मेरे हिसाब से टॉस भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो बॉलर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अगर बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो बैट्समैन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की दोस्तों। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक पर क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट कमेंट आएगा, उस कमेंट में आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेन्यू की बात करेंगे तो वीआरई क्रिकेट स्टेडियम है एम्स्टेलविन का यहाँ पे, और 2:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। आपको 2 बजे ऑनलाइन रहना होगा, 2:30 पे मैच स्टार्ट होगा, आपको 2 बजे ऑनलाइन रहना होगा, 2 बज के यहाँ पे 2 बजे ऑन मतलब लाइनअप आ जाएगी दोस्तों। पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे, देखिए पिच रिपोर्ट देखने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, दूसरी टीम काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रही है। तो पिच रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग भी करती है तो भी अच्छा स्कोर बनेगा, और अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी करती है तो भी इंग्लैंड जीतेगी, तो फिर पिच रिपोर्ट का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों, अगर लास्ट के 2 मैचेस की अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड का जो स्कोर है अभी, जो ODI मैचेस का स्कोर है मतलब पूरे का पूरे हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो अभी तक जो है वो 498 का स्कोर अभी तक नहीं बना है। ये फर्स्ट नंबर पे स्कोर है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे चेक कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। देखिए 498 पे सिर्फ 4 विकेट गए 50 ओवर में, और ये काफ़ी बड़ा स्कोर था। और नेदरलैंड की बात करेंगे 266 पर ऑल आउट हुए। यहाँ पे भी अगर देखा जाए नेदरलैंड ने पहले बैटिंग की थी और DLS मेथड के अनुसार सिर्फ 41 ओवर का मैच हुआ था, और यहाँ पे अगर देखा जाए 235 पे 7, और यहाँ पे देखा जाए इंग्लैंड ने 239 पे 4। तो इंग्लैंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4 विकेट गए, यहाँ पे 4 विकेट गए। हालांकि एक चीज़ बता दूँ कि जो इंग्लैंड की तरफ से इयान मॉर्गन है वो दोनों ही मैचेस में 0 पे आउट हुए, ये थोड़ा सा शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी मजबूत होने के साथ ही साथ जो इयान मॉर्गन है वो दोनों ही मैचेस में 0-0 पे आउट हुए दोस्तों। ये मैं आपको सब कुछ नीचे में बताने वाला हूँ। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 1 मैच जीता है, बैटिंग सेकंड टीम ने 1 मैच जीता है। और लास्ट के मैचेस की बात करेंगे तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पेसर्स को भी विकेट मिल सकते हैं और स्पिनर को भी विकेट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्पिनर को ज्यादा मिलेंगे पेसर को कम मिलेंगे, दोनों को ही एक तरह से समान विकेट मिल सकते हैं। इस मैच की अगर बात करेंगे 25 मैचेस इस पिच पे खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 14 मैच जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 10 मैच जीते, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है, कौन सी टीम यहाँ पे बॉलिंग करती है। अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ पे विन करेंगी 100%, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे या फिर पहले बॉलिंग करे, क्योंकि अगर बैटिंग भी करेंगी तो देखा जाए तो यहाँ पे नेदरलैंड के उतने बॉलर जो वो इफेक्टिव नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करेंगे तो देखा जाए तो नेदरलैंड के बैट्समैन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है दोस्तों। ये आपको 2 चीज़ें ध्यान में जरूर रखनी है। उसके बाद ODI इंटरनेशनल की बात करेंगे, देखिए इंग्लैंड का ही स्कोर है इस पिच पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट। और लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे, इंडिया का 127 पे 10 विकेट का नुकसान पे है। हो सकता है कि इस मैच में जो नेदरलैंड जो है वो 120-130 रन पे ऑल आउट हो जाए। दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 200 से 249 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनता है यहाँ पे। और बात करेंगे टीम न्यूज़ की, देखिए दोनों ही टीमों की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, अभी एग्जैक्टली हमें बताया नहीं गया है। जैसे कि मान लीजिए कि नेदरलैंड की तरफ से पीटर सिलर इस मैच में प्ले कर सकते हैं, और बात अगर करेंगे इंग्लैंड की तरफ से तो इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पे सैम करन इस मैच में प्ले कर सकते हैं, जो हमें टॉस के बाद पता चलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों नेदरलैंड की तरफ से, तो नेदरलैंड की तरफ से यहाँ पे इनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई भी बॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे किंगनमा है, आर्यन दत्त है, स्नेटर है, उसके बाद देखिए प्रिंगल है, ये जो प्लेयर है 4 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बॉलर, ये सभी 10-10 ओवर कंप्लीट करके 40 ओवर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एल्विन बीक है, उसके बाद देखा जाए बीडी लीडर है, इन दोनों में पाँच पाँच ओवर हो सकते हैं, मतलब इस तरह से 50 ओवर इनके कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की बात अगर करेंगे तो इनके पास देखा जाए टॉपले है, उसके बाद आदिल रशीद है, कास है, उसके बाद डेविड विले है, और यहाँ पे देखा जाए मोइन अली, ये इनके पास पाँच इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, जो सभी यहाँ पे 10-10 ओवर कंप्लीट करके 50 ओवर कंप्लीट करेंगे। अब बात अगर करेंगे लिविंगस्टोन की, तो लिविंगस्टोन ने पहले मैच में बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन सेकंड मैच में बॉलिंग की, तो लिविंगस्टोन जो होगी वो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होने वाले हैं। ऐसे में लिविंगस्टोन बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और डेविड मिलान की बात करेंगे, डेविड मिलान भी ने भी एक विकेट निकाला है, लेकिन ये पार्ट टाइम बॉलर है, ऐसे मजाक में बॉलिंग की, लेकिन ये बॉलर नहीं है दोस्तों, मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ। स्कोर कार्ड की अगर बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट के दो मैचेस का रिकॉर्ड है। अब देखा जाए दोस्तों, वी सिंह, मैक्स वोडाउट, ये इनके ओपनर्स है। उसके बाद देखेंगे टॉम कूपर आएंगे, बीडी लीडर, एडवर्स आएंगे, ये इनके देखा जाए। एडवर्स की बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे आए दोनों ही मैचेस में, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया। और कहने वाली बात दोस्तों, मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करेंगे नीरा मारू और यहाँ पे एलविन बिक, ये जो है दोस्तों ये इनके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है। प्रिंगल की अगर बात करेंगे, और यहाँ पे ये चार जो है इनके इंपॉर्टेंट जो है वो बॉलर होने वाले हैं। इंग्लैंड की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जेसन रॉय है, फिलिप सॉल्ट है, ये इनके ओपनर्स है, मलान है, मॉर्गन है, लिविंगस्टोन है दोस्तों, ये जो है इनके तीन बैट्समैन है, मतलब दो तीन और चार नंबर के। उसके बाद देखेंगे मोइन अली, जॉर्ज बटलर, जो है जॉर्ज बटलर काफी ज्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, देखिए लास्ट मैच जो है काफी नीचे आए थे, तो ऐसे में इनको बैटिंग नहीं मिली थी, ये इनकी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है। डेविड विलियर्स लेकर टोपले की बात अगर करेंगे, तो ये इनके चार इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। अब देखिए दोस्तों, अभी से मैं यहाँ पे मेगा लीग का भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए नेदरलैंड की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है, और आपको पता है कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में है। ऐसे में इंग्लैंड के जो बॉलर होंगे, ओपनिंग बॉलर, शायद आदिल रशीद होंगे या फिर डेविड विलियर होंगे, इन दोनों में से किसी को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है मेगा लीग में या फिर ग्रैंड लीग में। लेकिन अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे, तो आपके मन में एक जरूर होना चाहिए कि देखिए वी सिंह और मैक्स वोडाउट, इन दोनों को आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, मतलब हो सकता है कि दोनों ही ना चले। लेकिन सेकंड टीम में आपको करना क्या है, आपको सेकंड टीम में मैक्स वोडाउट को देना है, वी सिंह को ड्रॉप करना है, ये मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ। ग्रैंड लीग की भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप क्रॉस टीम भी बना सकते हैं। क्रॉस टीम का मतलब क्या होगा कि आप पूरी तरह से जो प्लेयर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के ही बॉलर होंगे, और किसी भी बॉलर को नीदरलैंड की टीम से नहीं लोगे आप। अब बात करेंगे दोस्तों प्लेयर सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन है। यहाँ पे फिलिप्स ऑल्ट ओपन करेंगे, एडवर्स फिफ्थ नंबर पे आएंगे, जॉर्ज बटलर की बात करेंगे लास्ट मैच में सेवन नंबर पे आए थे दोस्तों। अब बात अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको किसको लेना चाहिए, एडवर्स को लेना चाहिए 80%, फिलिप्स ऑल्ट को लेना चाहिए 78%। अब दोस्तों बात करेंगे जॉर्ज बटलर की, तो जॉर्ज बटलर का सिलेक्शन 72% है, फिर भी मैंने इनको ड्रॉप क्यों किया है। लेकिन जॉर्ज बटलर को अगर मैं अपनी टीम में लूंगा, तो मुझे फिर इंग्लैंड की तरफ से किसी एक ऐसे बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जॉर्ज बटलर को इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि दोस्तों ये जो है ये अगर देखा जाए फर्स्ट मैच में फिफ्थ नंबर पे आए थे, लेकिन सेकंड मैच की बात करेंगे सेवंथ नंबर पे आए थे। अब दोस्तों इस मैच में भी अगर ये सेवंथ नंबर पे आएंगे, तो मुझे नहीं लगता इनको बैटिंग मिलेगी। रीज़न क्या है, देखिए नीदरलैंड की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है या फिर बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, कोई मतलब नहीं बनता है। नीदरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया और 140 से 150 या फिर मान लीजिए कि 200 का स्कोर बना दिया, तो इंग्लैंड की टीम इतनी मजबूत है कि दोनों ही मैचेस में सिर्फ चार विकेट गए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार ही विकेट गए थे। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो इस मैच में भी अगर चार विकेट जाए या फिर पाँच विकेट जाए, तो ऐसे में यहाँ पर जॉर्ज बटलर को बैटिंग ही नहीं मिलेगी। तो अगर बैटिंग नहीं मिलेगी, तो हमारा ये एक प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। अदरवाइज अगर इंग्लैंड के विकेट जाते हैं, अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते इंग्लैंड के विकेट जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जॉर्ज बटलर को विकेट बैटिंग करने का मौका मिलेगा। या फिर इंग्लैंड के विकेट नहीं जाते और जॉर्ज बटलर को प्रमोट किया जाता है, तब जॉर्ज बटलर को बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और बैटिंग करने का मौका तभी मिलेगा जब इंग्लैंड के विकेट जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, इसलिए जॉर्ज बटलर को मैंने ड्रॉप किया है। अब 72% लोगों ने इनको इसलिए पिक किया है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मैच में 162 रन की पारी खेली थी, लेकिन लास्ट मैच में इनको बैटिंग नहीं मिली। ये भी थोड़ा बहुत लॉजिक आपको लगाना चाहिए, जब जॉर्ज बटलर को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए। बस इसलिए सिलेक्ट नहीं करना है कि इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया था। अब इस मैच में जैसे ही प्लेइंग 11 आता है, और आपको पता चलता कि नहीं यार जॉर्ज बटलर तो सेवन नंबर पर आए, तो फिर क्यों लोगे आप इनको टीम में। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये आपको समझना होगा। उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेशन की बात करेंगे, तो डेविड मलान थर्ड नंबर पे आएंगे, जेसन रॉय ओपन करेंगे, लिविंगस्टोन फिफ्थ नंबर पे आएंगे, मैक्स वोडाउट की बात करेंगे ओपन करेंगे, टॉम कूपर थर्ड नंबर पे, वी सिंह की बात करेंगे ओपन करेंगे, मॉर्गन की बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, नेडा मारू की बात करेंगे सिक्स नंबर पे आएंगे दोस्तों। ऐसे में दोस्तों बैटिंग सेक्शन में भी आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। डेविड मलान, जेसन रॉय, लिविंगस्टोन, इन तीनों को आपको लेना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डेविड मलान को क्यों लेना चाहिए। देखिए डेविड मलान की बात करेंगे, थर्ड नंबर पे आएंगे, दोनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया। जेसन रॉय ओपन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। लिविंगस्टोन की बात करेंगे, फिफ्थ नंबर पे आ सकते हैं, लिविंगस्टोन शायद बॉलिंग कर सकते हैं,
तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो लिविंगस्टोन की जगह पे यहाँ पे जॉस बटलर को भी ले सकते हैं, लेकिन जॉस बटलर कौन से नंबर पे आते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं कोई भी यहाँ पे बैट्समैन नहीं लेने वाला हूँ नेदरलैंड की तरफ से, क्योंकि अगर नेदरलैंड के बैट्समैन फ्लॉप ही होना है तो फिर हमारी टीम भी फ्लॉप हो सकती है, किसी बैट्समैन को नहीं लेना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करेंगे तो देखिए मोइन अली है जो कि यहाँ पे 6 नंबर पर आ सकते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे। लिविंगस्टोन की अगर बात करेंगे 5 नंबर पे, दोस्तों यहाँ पे जो लिविंगस्टोन मैंने फिर से लिख लिया है जो कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत गलत हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे मोइन अली है, उसके बाद एलवेन बीक और यहाँ पे बीडी लीड है। दोस्तों मैं आपको सब बता देता हूँ, दोस्तों यहाँ पे एलवेन बीक का मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि एलवेन बीक जो है मैं किस नंबर पे आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलवेन बीक जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, 7वें नंबर पर आते हैं, तो यहाँ पे जो है एलवेन बीक का मुझे लिखना चाहिए था। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए मोइन अली है जो कि 6 नंबर पर आते हैं, उसके बाद देखेंगे एलवेन बीक है जो कि यहाँ पे 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद बीडी लीड है दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पर आते हैं। और दोस्तों एलेवन बिक का मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने क्या स्कोर किया। लास्ट के दोनों मैचेस में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है क्योंकि 7 नंबर पे आते, लेकिन अगर बात करेंगे मोइन अली की तो ये बैटिंग प्लस आपको बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं अगर विकेट जाएगी इंग्लैंड के, तो एलेवन बिक की बात करेंगे ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जरूर होगा कि आपको बीडी लीडे को लेना चाहिए जिनका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए 37% है, या फिर आपको यहाँ पे मैक्सवेल आउट के साथ जाना चाहिए जिनका सिलेक्शन जो है 69% है। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ दोनों का ही। चलो ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन ही यहाँ पे ही कर देते हैं कंपैरिजन, ठीक है। मैक्सवेल आउट की अगर दोस्तों बात अगर करेंगे ये ओपन करेंगे इसलिए मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ, अगर इंग्लैंड के बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा तो फिर ओपनिंग वाला बैट्समैन भी जल्दी आउट हो सकता है। लास्ट मैच ही देखा जाए 7 रन पे आउट हुए थे, उससे पहले 55 रन की पारी खेली थी। और अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो हमने और दूसरे एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से बीडी लीडे है, तो लीडी को आपको अब क्यों ट्राई करना चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए लास्ट के दोनों ही मैचेस में ये 4th नंबर बैटिंग करने के लिए आए थे, तो ये बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग से ये पॉइंट दे सकते हैं। अगर लग बाय चांस इनको एक विकेट मिल गया, इन्होंने 25 रन भी बना लिए, तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको मैक्सवेल आउट से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने मैक्सवेल आउट को यहाँ पे ड्रॉप किया है और बीडी लीडे को ट्राई किया है। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो डेविड विलर को आपको लेना चाहिए, आदिल रशीद को लेना चाहिए, और देखिए इंग्लैंड की तरफ से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉलर को ले सकते हैं। हालांकि अगर हमें तीसरे बॉलर को लेना है तो आरएस तुपले को भी लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे आर्यन दत्त को लेना चाहिए दोस्तों। तो हमने यहाँ पे 7 प्लेयर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कौन किस मतलब कितने ओवर कंप्लीट कर सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। स्नैटर है, आर्यन दत्त है, किंगडम है, प्रिंगल है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आर्यन दत्त इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे नेदरलैंड की तरफ से। और बात करेंगे विले है, आदिल रशीद, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद टोपले को भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्रेस को भी ट्राई कर सकते हैं। टोपले को आप जब ही ट्राई कीजिए जब इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है। ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स की अगर बात करेंगे एलवन बिक किंगमा है यहाँ पे, उसके बाद एलवेन बिक स्नैटर जो है वो डेथ में बॉलिंग करेंगे। अब दोस्तों इनके ओपनिंग के डेथ बॉलर्स एक्चुअली जो है कंफर्म नहीं है, कोई भी ओपनिंग बॉलिंग कर सकता है, डेथ में बॉलिंग कर सकता है। इंग्लैंड की बात करेंगे वैली और टोपले, उसके बाद देखेंगे कार्स और वैली, जिन्होंने लास्ट में मैच में डेथ में बॉलिंग की थी। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। 11वें प्लेयर पर हमने रिस्क लिया है, और कौन से प्लेयर पर रिस्क लिया मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए हमने मैक्स और आउट पर रिस्क लिया जिनका सिलेक्शन 69% है, और यहाँ पर हमने रिस्क लिया बीडी लीडे पे जिनका सिलेक्शन सिर्फ 36% है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कितना रिस्क लिया है हमने। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैक्स और आउट पर ड्रॉप किया क्योंकि जिनका सिलेक्शन 69% है, लेकिन क्यों ड्रॉप किया मैंने आपको रीज़न यहाँ पे बता दिया है, और बीडी लीडे को मैंने यहाँ पे ट्राई क्यों किया इसके पीछे का भी मैंने रीजन आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको मेगा लीग के भी प्लेयर्स दिखा देता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मैच के लिए। वी सिंह को आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेदरलैंड के कुछ जो ओपनर्स होंगे मतलब 1, 2, 3 नंबर के जो बैट्समैन होगी वो फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन वी सिंह भी ओपन करेंगे तो हो सकता है कि ये 40 या 50 रन की पारी खेले। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है नेदरलैंड की तरफ से हमें कौन दे सकता है। उसके बाद इयान मॉर्गन की बात करेंगे, दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए 0-0 पे, लेकिन हो सकता है कि इस मैच में एक बड़ी पारी खेले तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीरा मालू की अगर बात करेंगे, ये अगर इस मैच में खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बॉलिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओवर कंप्लीट करेंगे, लेकिन बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। आरिस टोपले की बात करेंगे, इंग्लैंड की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। और बात अगर करेंगे कार्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। और टोपले अगर आप यहाँ पे इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो इंग्लैंड की तरफ से आपको 1, 2 और 3 नंबर के बैट्समैन लेना है, और साथ ही साथ आपको 4 के 4 बॉलर लेना है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा आप नीचे आगे में कि किस तरह से करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि क्यूमा है यहाँ पे, प्रिंगल है, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
कैप्टन वैसे कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए तो साल्ट है, यहाँ पे मिलन मलान है, जेसन रॉय, लिविंगस्टोन, मोइन अली कैप्टन वैसे कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैप्टन वैसे कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए, तो वैली है, एडवर्ड्स है, आदिल रशीद है, मॉर्गन है, टॉपली है, कैप्टन वैसे कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, लेकिन इनको ट्राई करना है आपको मेगा लीग में। अब दोस्तों बात अगर करेंगे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैं ज़्यादा से रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मैं फिलिप सॉल्ट को कैप्टन बनाऊंगा। वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वाइस कैप्टन डेविड मलान को बनाया है, और डेविड मलान ही मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन हो सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे टीम का प्रीव्यू होने वाला है। अब दोस्तों ये जो टीम है ये प्री टॉस टीम है, टॉस के बाद जो टीम होगी वो अलग टीम हो सकती है, और ये टीम मैंने किस तरह से बनाई, क्यों बनाई, ये भी मैं आपको बताया, तो ये मेरी टीम होने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे कि ग्रैंड लीग की टीम आप किस तरह से बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, चलेगा आपको। अब बात करेंगे इंग्लैंड की टीम अगर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो आपको करना क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता है कि इंग्लैंड की तरफ से जो ओपनर्स है, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे अगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो आपकी टीम में कौन होना चाहिए, जेसन रॉय, फिलिप सॉल्ट, यहाँ पे डेविड मलान, ये तीनों ही होने चाहिए। तो आपकी टीम में यहाँ पे जेसन रॉय है, डेविड मलान है, और यहाँ पे देखा जाए फिलिप सॉल्ट भी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिविंगस्टोन को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे मैक्स वुड को पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीडी लेडे को ड्रॉप करके हम यहाँ पे जो है ट्यू टोपले को ले लेंगे। तो हमने किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने तीन बॉलर को पिक किया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिविंगस्टोन को ड्रॉप किया है। लिविंगस्टोन किस नंबर पर आते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लिविंगस्टोन जो आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते किस नंबर पर आ रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार और पांचवें नंबर पे लिविंगस्टोन आ रहे हैं, ठीक है। अगर लिविंगस्टोन बॉलिंग नहीं करेंगे तो होगा क्या दोस्तों, कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैक्स वुड आउट को हमने पिक किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैक्स वुड आउट जल्दी आउट हो जाएंगे, ऐसे में आप यहाँ पे मेगा लीग की टीम में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैक्स वुड आउट जल्दी आउट होने वाले हैं तो आप जो है यहाँ पे एडवर्स को तो पिक किया है आपने, यहाँ पे जो है टॉम कूपर को ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो है नेजा मारो को पिक कर सकते हैं। चलो हमने टॉम कूपर को पिक किया क्योंकि हमें लगता है कि मैक्स वुड आउट जल्दी आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे बीडी लीडर को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन ये जो टीम है मैंने आपको डेमो टीम इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से टीम बन सकती है। और बात अगर करेंगे इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है तो ये तीनों जो बॉलर हो गए वो विकेट जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोपले के जगह पे आप कार्स को भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आर्यन दत्त या फिर यहाँ पे किसी को विकेट नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्यन दत्त की जगह पे आप चाहे तो बीडी लीडर को पिक कर सकते। तो इस तरह से आपकी क्रॉस टीम बनेगी जो कि यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस मैच में जो है इंग्लैंड की टीम विकेट निकालेगी तो फिर आपको करना है क्या, आप मोइन अली को भी कैप्टन बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो डेविड विलो को कैप्टन बना सकते हैं, आदिल रशीद को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्मॉल लीग की टीम किस तरह से हमने बनाई है यहाँ पे दिखा दो दोस्तों। स्मॉल लीग की टीम में हमने किया क्या, इस तरह से हमने जो है स्मॉल लीग की टीम दोस्तों बनाई है। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे फिलिप सॉल्टे और डेविड मलान वाइस कैप्टन होने वाली, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम दोस्तों होने वाली है। अब स्मॉल लीग की टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही साथ फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।